शुरुआत ऐसा था कि मैं एक इवेंट कर रहा था विक फील्ड का तभी सलमान भाई उधर आए थे और वहाँ मेरा उनसे खाली नज़रअंदाज मतलब नज़र मिली थी बस सामने से और फिर उसके बाद चले गए तो उसके बाद फिर मुझे बिस्क्राफ से एंड्रेड टिवेंस का फ़ोन आया कि अर्पिता को मिलना है तभी सेंटर सेंटा होटल होता था तभी हम वहाँ ठहरे हुए थे तो तभी अर्पिता आई थिंक और मैंने फिर अर्पिता मुला, हाँ, हाँ, तो उसके उसके मुलाकात हुई थी सलमान भाई उसके टेरेस पे फंक्शन था वो बाजारे तभी आए थे तभी मैं सामने से जाके सलमान भाई से मिला था और मैंने बात की थी और उसके बाद मुझे फिर सोहेल भाई ने बुलाया था सलमान खान के

एज अ सिक्योरिटी इंचार्ज जैसे ऑपरेशन क्योंकि मैंने मिस वर्ल्ड ये सब हैंडल किया था तो वो पूरा करने के लिए उनके साथ जो शोज में क्राउड मैनेज तो मैं पहले एक दिन पहले जाता था हुँ. और पूरा रेकी करके फिर सलमान भाई आते थे और उनको फिर मैं शोज पे लेके जाता था फिर वो शो से वापस छोड़ता था फिर मैं वापस आता था तो शुरुआत में रूटीन ऐसे हुई तो एक मतलब एक ग्रुप था आपके साथ सिर्फ आप अकेले नहीं नहीं मैं अकेला था और लोकल सिक्योरिटी मेरा काम था कि लोकल सिक्योरिटी को लेकर हैंडल करना हाँ तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है सलमान खान की सिक्योरिटी के लिए क्राउड का चैलेंज होता है सबसे बड़ा हाँ क्योंकि सब लोग को मिलना है चाहे वो एज एज लिमिट कोई नहीं है एक स्टार की कोई एज लिमिट इस, कोई एज लिमिट लिमिट नहीं बच्चे से लेके वो छोटा बच्चा भी आएगा वो डांस करेगा दबंग 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 और बड़े भी हैं सब तो भाई को जो प्यार करने वाले उनके कोई एज लिमिट नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कितना करीब आ सकता है नहीं एक डेकोरम तो मेंटेन करते हैं ना सबके लिए मिलते सबसे फोटो खिंचानी है तो टाइम तो है कभी -कभी है पे तो इतना नहीं था में। फिर आस्ते आस्ते जैसे बढ़ने और आज की तारीख में तो आप देखते हैं कि वाई प्लस सिक्योरिटी भाई को तो हाँ। अभी हाँ। मुश्किल है बहुत काफी भाई को तो आपको उनके साथ भी काम करना होता है जो सरकारी सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं और जो प्राइवेट सिक्योरिटी सबको टीम वर्क होता है एक्चुअली सिक्योरिटी इज़ अ टीम वर्क ओके अगर मैं किधर भाई को लेके भी जाता हूँ हाँ. कोई दूसरे शहर में लेके जाता हूँ तो अगर मेरे साथ जो लड़के जाते हैं आठ दस लड़के हमारे जो परमानेंट जाते हैं बारह लड़के जो परमानेंट हैं वो जाते हैं तो उनके नीचे जो लड़के उनको लोकल हम अपना मेरा एक कवर के बाद वो पूरे हमारे टीम का कवर होता है फिर वो थर्ड कवर जो होता है उनका होता है जो बाहर के लड़के होते हैं लोकल्स का तो लोकल लड़के भी कान प्रोटेक्ट और कम नियर सलमान भाई जो लोकल होते हैं क्योंकि uh, उनको, हाँ. उनको उनका काम है लोगों को सलमान तो रिंग्स होते हैं yeah. One ring, we, two ring, three protect ring. भाई hmm. our team protect भाई क्राउड अच्छा क्राउड कंट्रोल तो तो अलग चीज होती है हाँ, पर्सनल सिक्योरिटी से अलग, अलग चीज है ठीक है और साथ में जहाँ भी जाते हैं जो Hmm. तो पुलिस का भी नेटवर्क रहता है और आज अभी तो भाई वाई प्लस होने के कारण तो तो ज़्यादा सेफ्टी क्योंकि अभी तो भाई के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह ये सब है। आ, जैसे आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है जो बहुत आ, आ, वेल नोन पीपल बॉलीवुड हॉलीवुड हर जगह इनकी आ, इनका प्राइवेट लाइफ वो नहीं होता डिस्टर्ब नहीं होता कि सारा टाइम कोई ना कोई चिपका रहता है मैं आपको एक बात बताता हूँ मैंने जैसे भाई के साथ ही ले लो मैंने भाई के साथ सिक्योरिटी इंडिया में किया और मैं भाई को फॉरन में भी लेके गया यूरोप लेके गया हूँ यू एस लेके गया कंपेयर टू जो सिस्टम जो हमारे यहाँ है वहाँ सिस्टम वैसा नहीं है hmm. वहाँ अगर आप नॉर्मल किसी को देखो तो नॉर्मल आर्टिस्ट भी देखो तो आप उसको देख सकते हो बगैर hmm. परमिशन के आप उसे फोटो नहीं खिंचा सकते हो जाके उसको मिल नहीं सकते हो यहाँ तो आप देखते ही फिर क्या हाल है क्राउड रुकता नहीं है भिड़ जाता है क्राउड हाँ. मानता नहीं है फिर उसके बाद प्रेस देख लो माइक लेके नू में आ जाते हैं फिर अगर उनको कुछ करो तो फिर हल्ला गुल्ला मचा लेते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया तो ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंस है हमारे यहाँ और फॉरन में हाँ तो हमारे अगर जो जैसे यहाँ आते हैं बॉडी गार्ड जो होते हैं किसी करोड़ तो ऐसे करते हैं ना हाँ। तो वहाँ पब्लिक अगर ऐसे है आ रही है तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक को मालूम है लोग लो जो फैंस हैं उनको मालूम है वो ज़्यादा वो नहीं करेंगे हेरेस नहीं करेंगे लेकिन फिर भी फ़ॉरन में जाके लेकिन इंडियंस वैसे ही हैं <laughs> जैसे हमारे यहाँ ही है मतलब सलमान तो हाँ भाई आगे तो वी आर द सेम हाँ। बाकी वो उधर के सब कुछ करेंगे एशियंस तो एकदम मतलब हाँ, सब लोग वैसे ही भीड़ में आते भीड़ भीड़ कर लेते हैं और फिर उनको दुबई में तो आपको क्या बताओ क्या हाल है बांग्लादेश में तो एक दिन एयरपोर्ट से वापस ले आए थे सलमान भाई को क्यों इतना क्राउड अच्छा। फिर एक बार हम वापस आ, कहां ले आए मुंबई वो बाहर शहर नहीं नहीं शहर जा नहीं सके ऐसा पब्लिक हो गए वो एक मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ औरंगाबाद का हां औरंगाबाद में एक रैली के लिए हम गए थे तो हम एयरपोर्ट से उतरे रैली में घर पहुँचे जिनके लिए रैली करनी थी तो रैली के लिए उनके घर पे अच्छे से बैठे उनके घर के लिए रैली से निकले हम बैठे टेम्पो में ट्रक में बड़े वाले बड़ा टेम्पो जो होता है छोटा नहीं बड़ा टेम्पो में टेम्पो घर से बाहर निकला ना आगे जा सके ना पीछे जा सके फिर करे तो करे क्या जिसके घर में रैली के जिसके लिए रैली के लिए गए थे वो हाथ जोड़ के बोलता है सर आप वापिस जाओ <laughs> आप वापिस जाओ सर आप मानेंगे नहीं वहाँ से भाई को पहले आगे खड़े थे भाई को बोल के पीछे लाए कि पब्लिक पीछे देखने आए इतने पब्लिक इतना क्राउड के हम वहाँ से टेम्पो ऐसा लेके हम गए सीधा एयरपोर्ट फ्लाइट में बैठे और वापस बॉम्बे आ गए और हालांकि इट्स नॉट एज इफ कि सलमान खान जो है वो सबके साथ भीड़ में जाते हैं मिलते हैं ऐसे कुछ नहीं वो थोड़ा इरीटेट भी होते हैं जब कोई बहुत करीब आता है इतना उनका इंटरेक्शन नहीं है मैं साथ मैं एक जनरल बात बोलूँगा कि जो शायद लोग नहीं समझते हैं फैंस फैंस होते हैं स्टार स्टार होता है लेकिन एक स्टार की पर्सनल लाइफ होती है जैसे आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है आप भी कभी कभी वो पर्सनल लाइफ में भी कभी घर में कुछ हो जाए या आपकी वाइफ के साथ या मॉम के साथ या घर में या आपके काम को लेकर कभी आप किसी चीज़ से थोड़े बहुत अपसेट होते हैं तो वो जो मूड होता है उस टाइम पे किसी का भी दिल नहीं होता थोड़ा सा अपने आप को लोनली लगना चाहता है लेकिन ये स्टार्स लोगों को नहीं मिलता स्टार्स बाहर आया तो बस फैंस को फोटो खिंचानी है फैंस फैंस को को ऑटोग्राफ चाहिए बात करनी है उनके बारे में कॉन्ट्रोवर्सी तो बहुत होती है <coughs> किसके बारे में नहीं है स्टार है तो पता लगता है वो स्टार है तो पता लगता है सेलिब्रिटी है बड़ा सेलिब्रिटी है बड़ा स्टार है तो पता लगता है बाकी कॉन्ट्रोवर्सी किसके लाइफ में नहीं है आप नीचे अगर देखो तो कॉन्ट्रोवर्सी हर के, हर एक के साथ है उसको बस मौका मिलता है लोगों को आजकल पब्लिसिटी का शौक चाहिए कि कुछ गलत कुछ बोलने का शौक चाहिए कुछ भी बोलो तो सबसे सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है सेलिब्रिटी के लिए भीड़ के मामले में मतलब एक तो है लाइफ कि कोई अटैक ना हो। ला, देखो लाइफ देखो लाइफ के है? लिए उसको गिर्ना? लाइफ लाइफ के होता है कि थ्रेट होता है हम्म लाइफ का होता है जिसको थ्रेट है जैसे सलमान भाई को थ्रेट है शाहरुख खान अमिताभ बच्चन सबको बहुत सारे एक्टर्स को थ्रेट है हां तो जिसको थ्रेट है उसके लिए उनके लिए क्राउड में जाना मुश्किल है हां जैसे रेकीक क्राउड में कोई फंक्शन है इवेंट है शो हो रहा है उसके अंदर क्राउड में कौन है क्या नहीं है वो सब बहुत देखना पड़ता है उस चीज़ तो को। आप उनके साथ रहते हैं उस हिसाब से आपको भी रिस्क है नहीं अभी पहले रिस्क तो एक सौ एक टक्का रहेगा ही मैं साथ में रहता हूँ तो साथ में रिस्क रहेगा ही जैसे कि अभी शोज में अभी अगर भाई का भी कोई भी शो होएगा या होने वाला है तो पहले जाके शो करते थे लोकल हैंडल हो जाता था जाके अभी तो हमने मैं खुद जाता हूँ खुद मिलता हूँ उधर के कमिश्नर और पुलिस को डीजीपी को बात करता हूं पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूं शो होने के पहले के सेफ्टी पूरी चाहिए तो वो हिसाब से सलमान खान को या शाहरुख खान को उनके इर्द गिर्द कितने लोग होते हैं पंद्रह बीस पच्चीस अभी तो अभी, तो अभी सलमान भाई के पास इर्द गिर्द चालीस लोग एक साथ हाँ क्योंकि वाई प्लस सिक्योरिटी है पुलिस भी है पुलिस की स्कॉड भी है आगे पीछे पर्सनल स्कॉट भी है और पर्सनल बॉडी भी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब आरोप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए और फेसबुक आरोप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करे आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद